जा आदि, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं तो चाह कर भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता ना, क्योंकि मेरी तो पता भी हो रही है। साहब, साहब, चाय का क्या करूं? मेरे सर पे डाल दे, मार दे मुझे। साहब आप वैसे ही मरने वाले हो, अब 5 रुपए की चाय क्यों वेस्ट करूं आप पे? ए, निकल निकल निकल। हेलो खोचे, सन की पठान, कैसा है लाले दी जान? बस निकल रही है। और क्या बोलती तुम? अरे भाई जान निकल रही है, सही बोलती, मतलब सही बोलता। और देखिए सनकी भाई, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं 15 दिन में मरने वाला हूँ। इंस्पेक्टर, हमको तुम्हारा बीमारी के बारे में पता चली है, और देखो हम तुमको धमकी देने वास्ते फोन नहीं किया, हम तुमको ये बताने वास्ते फोन किया कि तुम हमारा बिरादर है, हमारा भाई है। और देखो कोचे, तुमको कोई भी तकलीफ तुम सीधा सन की पठान को बोलना। सन की भाई, आपकी आज बातें सुन के पता चला कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, बस मैं ही हूँ जो मरने वाला। और फिकर मत कर जाओ इंस्पेक्टर, एक दिन तो हम सबको जाना है। और देखो अभी ज्यादा बात नहीं करो तुम, हम अभी फोन रखता है, कोई तकलीफ हमको सीधा कॉल करना। खुशामदीद इंस्पेक्टर, खुशामदीद। हेलो हेलो। ओए इंस्पेक्टर, सन की पठान के माल को पकड़ा, अब मौत के खौफ से चारपाई को पकड़ा। ऐसी बात नहीं कर रहे हो यार, 50 किलो लकड़ियां में तो हमारे वाले मुर्दा की उंगली तक नहीं जलेगी, पूरे जंगल की लकड़ियां चाहिए, बात समझ में आ रही है? ए? इसके लिए लड़कियां मंगा रहे, लकड़ियां मंगा रहे? ये तो बहुत गलत बात है सर, आपको तो मालूम होना चाहिए कि लकड़ियां आपके लिए मंगवाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार की बहुत ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं सर, लकड़ियां, घी, अर्थी, फूलमाला सब रेडी है, आपकी अंतिम यात्रा में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सर। पर एक बात बताओ सर, 15 दिन में निकल लोगे ना? ना, क्योंकि 15 दिन तक लकड़ियां के ऊपर 50% डिस्काउंट मिल रहा है सर, 16वें दिन के बाद में एक भाव बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। DIG क्या खर्चे वर्चे का कोई टेंशन नहीं है, जितना खर्चा होता है कर दे, वैसे भी इंसान रोज रोज तो नहीं मरता ना। सर बस, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आप मरने के बाद भी ये दुनिया छोड़ के ना जाने वाले? मतलब? मतलब ये सर कि हमारे यहाँ ये कही जावे कि जहाँ इंसान को सच्चो प्यार ना मिले ना, वो एक भयावह भूत बनकर के नहीं भटकते रहे, बाकी आत्मा को मुक्ति ना मिले सर। तो ये आत्मा को मुक्ति मिलती कैसे? कोई लड़की ढूंढो सर, आके साथ नाटक तैयार करो, फरमाओ, रोमांस करो, तब जाकर के मिलेगी मजबूत मौत। बहुत व्यस्तता चल रही है सर, बहुत काम है, लेकिन मैं आऊं। है रोमांस, नाटक, दुनिया, अपने कान बंद करो, अब मैं जो बोल रहा हूं कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा ना? वैसे आज काफी सुंदर लग रही हो। सर मैं तो रोज ही सुंदर दिखती हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ देखते कहाँ हो? आपको पता है आधा लॉकअप तो मुझे देखने वालों से ही भरा पड़ा है, पॉकेट मारी चोरी ये तो एक बहाना है, उन सब को तो मुझसे ही दिल लगाना है। यार इन बातों को छोड़ो, वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? आज शाम को ना मैं वो सिग्नल पर खड़े रामलाल को धोऊंगी, वहां पे हफ्ता वसूल करता है ना वो। अच्छा, तो कल शाम को क्या कर रही हो?
कल कपड़े धोऊंगी। लेकिन सर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि अगर बाय चांस अगर तुम शाम को फ्री हो तो हम एक कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अभी नहीं, आज शाम को अभी कैंडल जला के क्या करेंगे, कैसे जलाएंगे? सर आप जब भी मेरे साथ होते हो ना तो मेरे दिल की बत्ती अपने आप जल जाती है, तो कैंडल का क्या काम? मैं यू गई और यू आई। अरे रुको 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 सुंदरी, जाने से पहले एक पप्पी नहीं दोगी? एक पप्पी से मेरा क्या होगा सर? लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं दे ही देती हूँ। नहीं कैंसिल कैंसिल नहीं चाहिए पप्पी, कैंसिल नहीं, वो हो गया। क्या हुआ सर? अरे तुमसे पप्पी लूं ये सोच सोच कर मैं 15 दिन बाद का कल मर जाऊंगा। नहीं तुमसे ना मुझे पप्पी चाहिए, ना मुझे पप्पी देनी है, ना हम कोई कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं। तुम जाओ और अपने वो रामलाल की बत्ती बुझाओ, जाओ 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 बुझाओ बत्ती। अरे क्या कर दियो सर, यहां तक आ गई थी पप्पी, अच्छा खासा सीन चल रहा तो मजा गिर गिरो कर दियो। ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? टाइम पास के काज है सर। नहीं मतलब आपकी यादों को पास रखने के लिए सर, क्योंकि अब तो आप चले जाओगे ना तो बस यही मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी यादों के सहारे जी लिया करेंगे। ये यादें डिलीट करें सर, डिलीट कर, वरना अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझे, फिर तुम मुझे याद नहीं करोगे, सारी दुनिया तुम्हें याद करेगी। डिलीट करो, डिलीट करो। तो गलत बात है सर। अच्छा ये लो डिलीट कर दियो, पर एक बात बताओ सर अब आप करोगे का? नहीं मतलब जो आपको चाहती है उसको आप नहीं चाहते, तो फिर ऐसी कोई ढूंढो ना सर जिसको आप चाहो। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मरने से पहले अपनी मोहब्बत पा कर रहूंगा। हेलो भाई भैया, हाँ मैं क्या कह रहा हूं, आज ही लकड़ियां को इंतजाम करके रखी हूं ना, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूरत आज ही पड़ सके। चमकू चमकू कोई है घर पे? हाँ गुल्ले जी। अरे कोई क्यों होगा, मेरा घर है तो मैं होंगी ना। नहीं अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, कभी कभार किसी के घर पे कोई और भी हो सकता है, जैसे हमारे घर पे कितनी बार तुम होती हो। ताना मार रहे हो? अरे अब चमकू मरता हुआ आदमी अब किसी और पे क्या ताने मारेगा। गुल्ले जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे ही होने वाली है, पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तुम, बिल्कुल खट्टे मीठे अचार की तरह। हमारे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल फीके खिचड़ी की तरह पड़ने वाली है। एनीवे बोलिए किस काम से आए थे? हाँ मुझे चमकू एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। करो ना जल्दी, मेरी सब्जी जल जाएगी। नहीं उसके जलने से पहले कर लूंगा। हाँ। देखो चमकू, अगर एक मुरझाते हुए फूल को प्यार के पानी से सींचा जाए तो वो कुछ और दिनों तक खिल सकता है। हाँ जैसे 4 कटोरी दाल में अगर 2 कटोरी पानी मिला दिया जाए तो वो 6 लोगों में बट सकता है, बिल्कुल वैसे। हाँ मतलब बट तो सकती है, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब था कि ढलता सूरज, अब ढलता सूरज तो ढल रहा है ना, ढल तो हो रहा ही है, लेकिन अगर उसे समंदर किनारे से देखा जाए तो वो खूबसूरत लगता है। हाँ जैसे रायते में हम बूंदी मिला दे तो रायता बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। यार रायता बात समझ नहीं रही हो चमकू, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए। मतलब आखिरी 15 दिन बचे हैं तो क्या हुआ, कम से कम मेरे ये आखिरी 15 दिन खुशहाली के साथ गुजरे, प्यार के साथ गुजरे, खूबसूरती के साथ गुजरे। नहीं तो साफ साफ बोलिए ना गुल्ले जी, ऐसे मतलब कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो इसे डीकोड करने में ही मुझे 15 दिन निकल जाएंगे और उसके बाद तो अच्छा ठीक है चलो, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, साफ साफ बोलो थोड़ा। एकदम साफ बोलना है? हाँ मैं साफ बोलता हूँ चमकू,
आई लव यू। हाँ गुल्ले जी। कौन है वह? गुल्ले जी। अरे चमकू तुम यहाँ इस मानव 11 बज गए 11। हाँ तो पता है मुझे 11 बज गए, घड़ी है मेरे पास, दिख रहा है मुझे 11 बजे। देख सकता है तो दिमाग भी चला ले अपने, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, गाना मत गा। अरे यार तूने मुझे चैन से कभी जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने भी नहीं देगा मुझे। हाँ तो मरना चैन से, 3-4 दिन बचे हैं जिंदगी के, कुछ दिन गुजारने, आराम से भजन कीर्तन करके काट, यूं चिपक चिपक के मत काट, पाप लगेगा तुझे पाप। हाँ तो पुण्य करके कौन सी मेरी जिंदगी पड़ जाएगी, अब तो मैं पाप करूंगा और पाप करूंगा, बहुत पाप करूंगा, पाप ही पाप करूंगा। हाँ जैन सर, आपने बुलाया सर? अरे हाँ, खबर मिली है कि रंगा खुद लोगों के साथ डील कर रहा है, उसके अड्डे पे जाके छापा मार लो। क्या सर, क्या काम दे रहे हैं आप? जो खुद मरने वाला है उसे आप छापा मारने के लिए कह रहे हैं? सर अब मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन तो एंजॉय करने दीजिए सर। सर मैं तो कहता हूँ आप भी एंजॉय कीजिए सर। सर लाइफ का कोई भरोसा है नहीं, कब ये जिंदगी रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाए पता भी नहीं चलेगा सर। सर आप खबरी है ना, आप लोगों की खबर लाते हैं, कब कौन आपकी खबर ले आए सर, यू नेवर नो। ए छपड़गंज तो अपनी फिक्र मत करना, क्या मैं चेकअप कराता हूँ रोज, डॉक्टर ने बोला मैं 100 साल तक जी सकता हूँ, समझा? कहाँ इन डॉक्टरों की बातों में आ रहे हैं सर। सर वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना कि आप किसी बीमारी से ही जाएं, कमिश्नर की चेयर पे बैठे हैं, किसी क्रिमिनल ने अगर गुस्से में आपकी सीट के नीचे अगर बॉम्ब लगा दिया और ये बम, क्या बात कर रहा है यार तू, इतनी बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई भी आके बम लगा के चला जाएगा। सर अब होने को कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है कोई क्रिमिनल या खिड़की के बाहर खड़ा हो, गोली चलाए और आपको गोली लग जाए। ए येड़ा नहीं हूं मैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूं मैं। सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर ये पंखा ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या काम आएगी सर बुलेट प्रूफ जैकेट, सीधा पंखा गले पे ऐसा कच्चा। मेरे को डरा क्यों रहा है? मैं डरा नहीं रहा हूं सर, मैं आपको समझा रहा हूं, ये लाइफ का भरोसा नहीं है सर, इसके लिए एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, मतलब जो मन आता है वो कीजिए, दूसरों का माल अपना समझिए, सबका माल अपना समझिए सर, किसी का माल मत छोड़ना सर, सब अपना ही है, सब अपना ही है सर, आप समझ रहे हैं ना सर? आप कोशिश कर रहा हूं। हेलो हाँ सोनकी भाई कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसा है हमारा काजू बादाम पिस्ता? बस क्या बताऊं सोनकी भाई,
भूख प्यास जैसे मरी गई है, बस पिज्जा और बर्गर खाने के अलावा कुछ दिल ही नहीं करता। चमकी भाई सच में आप अकेले ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आप बोलो क्या काम है, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा स्मगलिंग वगलिंग करना है तो मुझे बताओ। अरे आपका माल कमिश्नर की गाड़ी में डाल के यहाँ से वहां पहुंचाऊंगा मैं, बॉर्डर के पार करूंगा मैं करूंगा। ओ वही वही वल्ला इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये बात सुन के सनकी पठान का दिल खुश हो गया। तुम बता दिया, तुम हमारा बिरादर है, हमारा जो भी काम होगा हम तुमको बताएगा। देखो अभी तुम ख्याल रखो, हम फोन रखता है। वही वही बाय बाय। ओके सनकी भाई बाय। येड़ा हो गया कि तू किस दुनिया में एक क्रिमिनल का माल मेरी गाड़ी में रख के बॉर्डर पास करवाएगा? आपकी गाड़ी नहीं, कमिश्नर सर की गाड़ी। आपको क्यों टेंशन हो रहा है? और वैसे भी वो क्रिमिनल आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक इंसान है। अरे इंसान क्या, देवता है मेरे लिए, देवता। और अगर देवता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। मैं खुद तो मरेगा, पक्का मरेगा, दो चार को साथ में लेके मरेगा। ए भाई गोगोल, कहाँ तूने मेरे को फंसाया यार, ये टोटल गॉन केस है, एड़ा हो गया है, क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है, उसका खाना खाता है, मेरा भी खाना खाता, बगैर बोले मेरा खाना खा लिया साला। ऐसे क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे एक टॉफी नहीं मांगी, लेकिन आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भगवान। मेरी वजह से, मेरी बदुआ की वजह से मानव का ये हाल हुआ, ये सब। लेकिन भगवान पता नहीं, जब से मैंने उस चमकू को मानव के साथ देखा है तब से मुझे मानव से जलन होने लग गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ दिनों के मेहमान में मुझे शैतान नजर आता है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। आपने उसे इतना इरिटेटिंग बनाकर धरती पे उतारा है। अरे जब आप मुझे बना रहे थे तो थोड़ा मटेरियल मेरा बच गया था, वो मटेरियल अगर आप उसमें लगाते थे तो आपका क्या चला जाता? कम से कम वो इतना इरिटेटिंग नहीं होता। मैं उसे बदुआ नहीं देता, और बदुआ नहीं देता तो आज ये, आज भगवान मैं आपसे अपने मानव की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आया हूं, आप प्लीज मेरे मानव को बचा लो, उसे कुछ मत होने देना भगवान। उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान आपने मुझसे बात की? मुझे लगा आप बजरंगबली हैं, आप तो माता रानी हैं। कोड़े सिंह जी, यूहू। चमकू तुम मैं तो यहाँ से फूल लेकर गुजर रही थी तो मैंने देखा भगवान के सामने कोई लंबा चौड़ा आदमी फूट फूट के रो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं देखने आ गई। मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? मैंने कहा मैं देखने आ गई, सुनूंगी कहाँ से, वैसे भी मेरे कान इतने तेज नहीं है कि इतना दूर का सुन लूंगी मैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें सुन ली मैंने, जैसे कि आपको पछतावा हो रहा है कि आपने गुल्ले जी को बतुआ दी, और भी कुछ चीजें सुन ली। एक बात कहें? मैं नहीं भी बोलूंगा तब भी तुम बोलोगी ही। हाँ वो तो है, बाहर से भले ही आप गब्बर सिंह हो लेकिन अंदर से बाबा डॉल हो सोने दा। दोस्तों, इंस्पेक्टर मानव ए देसाई जा रहा है, और अपने साथ क्या लेकर जाएगा, इसलिए आज मैं अपना सब कुछ दान करना चाहता हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।